चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर आ रही है। जी हां, सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह तीसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। पवन सिंह की शादी की खबर हिंदुस्तान में छवि खबर के मुताबिक यह बताई जा रही है। आपको बता दें कि भोजपुरी मीडिया इस खबर को पूरी तरह पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि हिंदुस्तान में छपी खबर के अनुसार पवन सिंह 6 मार्च को बलिया में शादी करने वाले हैं। लड़की का नाम ज्योति बताया जा रहा है। वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई बलिया में ही कर रही है। आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह की शादी 2 साल पहले नीलम के साथ हुई थी। उनकी अचानक मौत के बाद पवन सिंह की यह तीसरी शादी होने वाली है। आपको बता दें कि सुपरस्टार अपने फैंस के लिए कई सारे हिट फिल्में देते आते हैं और उनकी यह शादी का खबर इतना छुपाया क्यों जा रहा है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन आपको बता दें कि बलिया में करीब करीब आधा से ज्यादा दर्जन होटलों को बुक किया गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पवन सिंह कुछ दिन पहले ही बलिया में जाकर ज्योति को देखा था और शादी के लिए हाँ भरा था। अब ये तो कल ही पता चल पाएगा कि 6 मार्च को पवन सिंह की शादी होती है या नहीं, या फिर यह खबर झूठी फैलाई गई है। लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरीके से यह न्यूज प्रकाशित किया गया है वह एक वाक्य में ही सच्ची खबर भी हो सकती है। हालांकि पवन सिंह की शादी की खबर कई सारे एक्ट्रेस के साथ भी नाम उजागर किया गया है, लेकिन पवन सिंह एक बार फिर से उन एक्ट्रेसों को छोड़कर एक अलग लड़की के साथ शादी रचाने की खबर मीडिया में जोर शोर से गर्माहट की खबर बनी हुई है। अब देखना यह है कि 6 मार्च को पवन सिंह की शादी की खबर किस लड़की के साथ निकलकर बाहर आती है। हालांकि भोजपुरी मीडिया इस खबर को पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं करता है।